नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही है बड़ी खबर, हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने सख्ती दिखाई है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर अब कार्रवाई भी होगी। मध्य प्रदेश पुलिस अभियान चलाएगी, बाइक के पिछली सीट पर बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा। 50 दिनों तक लगातार चेकिंग अभियान चलेगा। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इंदौर, भोपाल पुलिस कमिश्नर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे दिए हैं। पुलिस मुख्यालय को हर 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। तो अब बहुत जरूरी हो जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग बाइक के पीछे बैठते हैं। हालांकि ड्राइवर को तो लगाना ही है हेलमेट, लेकिन अब जो पीछे बैठे रहते हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। ये आदेश कोर्ट की तरफ से है और इसका पालन बहुत जरूरी है। अगले 50 दिनों तक सुरक्षा के साथ साथ चेकिंग टाइट होगी और इसीलिए अपनी जेब पर थोड़ा सा ध्यान रखें। बाइक में पीछे बैठने वाले हेलमेट जरूर लगाएं। हर 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट भी यहाँ पर अधिकारियों को देनी होगी कि उन्होंने अब तक कितनी कार्रवाई की, कितने चालान काटे हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन वैसे भी सुरक्षा के लिहाज से हर किसी को जो पीछे बैठते हैं उन्हें हेलमेट लगाना अनिवार्य होता है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए बहुत जरूरी हो जाएगा जो लोग पीछे बैठते हैं उनको भी अब हेलमेट लगाना। आप तस्वीरों के जरिए भी इस पूरे मामले में जानकारी दे सकते हैं कि अमूमन हम रास्ते में जब देखते हैं तो कितने लोग बगैर हेलमेट के नजर आते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक याचिका जो है जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी और उस याचिका की सुनवाई करते हुए 11 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट ने एक निर्देश पीएचक्यू को जारी किया था और उनसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में आखिर बड़ी संख्या में लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जो लोग टू व्हीलर चला रहे हैं वह हेलमेट नहीं लगाते हैं और चार पहिया वाहन जो है वो बगैर सीट बेल्ट के यात्रा करते हैं। तो ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आगामी 15 जनवरी तक ये एक विशेष अभियान जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस अपने अपने हर जिले में चलाएगी। इसके माध्यम से वो ये प्रयास करेंगे, ये सख्ती से प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोग जो है वो हेलमेट का प्रयोग करें। और अब तक जो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो राइडर्स था उसको हेलमेट लगाने की अनिवार्यता थी, लेकिन अब जो पीछे बैठने वाला व्यक्ति है उसको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही जो वाहन जो चार पहिया वाहन चला रहे हैं उनको भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। आज से मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो सड़कों पर साफ नजर आएगी। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं जिस चौराहे पर मौजूद हूँ वहां की मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बगैर सीट बेल्ट के ही चलते हैं। तो ऐसे लोगों पर अब सख्ती से निपटने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस करने जा रही है। आज से पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर के खासकर बात करूं, दो जो बड़े महानगर है जिसमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, इसके अलावा समस्त जिलों के साफ तौर पर निर्देश किए गए हैं कि सभी अपने अपने इलाकों में चेकिंग अभियान को सघन करें और लोगों को सख्ती से निपटें। इसके साथ ही ये निर्देश जारी किए गए कि सभी शासकीय कार्यालय हो या फिर अशासकीय कार्यालय हो, ऐसे शासकीय अशासकीय कार्यालयों में पत्र लिखकर ये साफ निर्देशित कर दिया जाए कि अब दोपहिया वाहनों पर दोनों जो लोग सवार हैं जिनको अब वाहन के साथ हेलमेट पहनना होगा। इसके अलावा जो अलग अलग जो पेट्रोल पंप है उस पर होर्डिंग बैनर लगाने के निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए, उसका पालन भी अब मध्य प्रदेश पुलिस कराती नजर आएगी। तो क्योंकि देखिए हर 15 दिन में एक जांच रिपोर्ट जो है मांगी और फाइनल रिपोर्ट 15 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश पुलिस को पेश करनी है। तो ऐसे में तमाम जो शक्तियां हैं अब वो दिखानी होगी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में सबमिट करनी होगी। उसके बाद अगर हाईकोर्ट इस पर कितना संतुष्ट है ये देखना होगा, उसके बाद क्या और नए निर्देश मध्य प्रदेश में मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत जरूरी होगा, अगर आप बाइक के पीछे बैठ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हेलमेट बहुत जरूरी है। मुरैना से बड़ी खबर आ रही है, जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला, दोनों ही तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। आधा दर्जन लोग इसमें घायल हैं, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के
जौरी गांव का ये पूरा मामला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों तरफ से केस भी दर्ज कर लिया गया है। मुरैना से बड़ी खबर आ रही है, अब तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप इस वीडियो को देखिए। इसमें पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में कैसे लाठी डंडे चला रहे हैं आप देख सकते हैं। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर किस बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई? देखिए, ये आपको बता दूं कि ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव का मामला है। इस दौरान कुशवा समाज के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद पुरानी रंजिश को लेकर के हुआ है। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस शिकायत के बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक जो विवाद का कारण है वो यही स्पष्ट हो पा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण विवाद हुआ है, और जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडे भी चला रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से जमकर के लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी है आपके पास अमित? देखिए, पुलिस लगातार गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ही क्रॉस मामला दर्ज किया है। मारपीट की धाराओं में पुलिस की टीम भी रवाना हो गई है, लेकिन जो आरोपी हैं, दोनों पक्ष के आरोपी बनाए गए हैं इसमें, तो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जो घायल हैं उनमें से भी एक दो लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो मामूली चोटें आई है तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो अन्य आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात गरियाबंद की होगी, जहां से 685 बोरा अवैध धान और 3 पिकअप जब्त हुए हैं। ओडिशा से धान लाकर खपाने की तैयारी थी, देवभोग एसडीएम अर्पिता पाठक ने ये कार्रवाई की है। 3 पिकअप भी जब्त किए गए हैं मौके से, और आप देखिए कि भारी मात्रा में धान को भी जब्त किया गया है। ओडिशा से इसे लाया गया था और यहाँ पर खपाने की तैयारी थी, अवैध धान खपाने की तैयारी में लोग थे, लेकिन उस पर कार्रवाई अब की गई है। 3 पिकअप भी मौके से जब्त किए गए हैं। चुनाव की व्यस्तता में यह अवैध धान खपाया जा रहा था, ओडिशा से धान लाकर बेचने की तैयारी थी। खबर गरियाबंद से, और एमएसपी में धान को बेचने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते ही इस पर एसडीएम अर्पिता पाठक ने कार्रवाई की है। तो 685 बोरा अवैध धान बरामद किया गया है, इस पर एसडीएम की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। चेकिंग अभियान के समय ही इसे पकड़ा गया, जब दस्तावेज नहीं दिखा पाए सही तरीके से लोग, तो फिर जाकर ये कार्रवाई हुई है। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख, ओडिशा से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था ये, लेकिन बीच में ही इसे पकड़ लिया गया, क्या जानकारी आपके पास, कौन है इसका मालिक, कुछ पता चल पाया? देखिए, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू है, और ओडिशा के धान को छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए बिचौलिया तैयार हैं, और इसी को देखते हुए 90 धान खरीदी केंद्रों में से 30 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां अवैध धान को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाया गया है। और देवभोग के एसडीएम अर्पिता पाठक जब निरीक्षण पर निकली तो ओडिशा सीमा नरसिंहपुर बरही जाने वाले रास्ते पर 3 पिकअप को पकड़ा है, जिसमें से 160 बोरा धान जब्त किया है। वहीं आसपास जब चेकिंग किया गया तो और किसानों के घर जो है बड़ी संख्या में धान डंप करके रखा था, लगभग 600 से भी ज्यादा बोरे में धान संग्रहण करके रखा था। जब पूछताछ किया गया तो इसके कोई मालिक सामने नहीं आए, किस वजह से इसे रखा गया है ये भी अब तक सामने नहीं आ पाया है। एसडीएम से हमने बात की, एसडीएम ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये धान किसकी है, और जो 3 पिकअप में धान लाया जा रहा था ये ओडिशा से लाया जा रहा था, जिसको जब्त करने की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में जब धान समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू होता है तो ओडिशा से बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में जो है धान का अवैध परिवहन किया जाता है, और चुनाव में प्रशासन व्यस्त था, इस वजह से जो अवैध धान परिवहन करने वाले हैं वो ज्यादा सक्रिय थे। लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया खत्म होते ही प्रशासन सख्त है, और जो चेक पोस्ट है और जो सीमा है वहां लगातार निगरानी रखा जा रहा है, धान लाने वालों पर निगरानी रखा जा रहा है, और इसी पर ये बड़ी कार्रवाई गरियाबंद जिले में हुई है, देवभोग क्षेत्र में। और एसडीएम अर्पिता पाठक ने जो जिस जगह पर जाकर निरीक्षण किया वहां बड़ी संख्या में जो धान पाया गया है उसके मालिकों का नाम का पता किया जा रहा है, आखिरकार वो धान किस वजह से और कौन वहां पर रखा है, और जैसे ही पता लगेगा तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिलासपुर की, जहां बिलासपुर में हिट एंड रन केस में बड़ा एक्शन हुआ है और NSUI के प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव निलंबित हो गए हैं। संगठन ने मामले को गंभीरता से लिया है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत मिली। NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। 4 सदस्यीय टीम हिट एंड रन के मामले में जांच करेगी। रिपोर्ट आने तक पद से अमीन को हटाने का तत्काल आदेश जारी है। अमीन श्रीवास्तव पर कार से कुचलने का सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज है। आरोपी अमीन श्रीवास्तव और अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, लेकिन जांच क्योंकि जारी है। आप उस वीडियो को भी देखिए, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। क्या कुछ हुआ था उस दिन वो आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से अमीन श्रीवास्तव एक फोर व्हीलर में सवार थे और वो ड्राइव कर रहे थे, और वो जब गाड़ी आ रही थी सामने से स्कूटी पर जिला महासचिव सवार थे। तेज रफ्तार के कहर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और तेज रफ्तार की वजह से ही पहले तो स्कूटी को टक्कर मारी गई, फिर रौंदते हुए अमीन श्रीवास्तव ने गाड़ी को भगा लिया। अब आरोप कई लग रहे हैं, इसमें एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती भी है। हालांकि एक दो लोगों को और भी ज्यादा चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल NSUI प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ा आदेश इसको हम कह सकते हैं। 4 सदस्यीय टीम अब मामले की जांच क्योंकि करेगी, तो रिपोर्ट आने के बाद फौरन से निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल अभी फरार है अमीन श्रीवास्तव और उसके अन्य लोग भी मौके से फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जबलपुर के गढ़ा थाना के सुप्तेश्वर क्षेत्र में रहने वाले दंपत्ति बीते 15 दिनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी FIR तक नहीं लिख रही। 5 नवंबर को उर्मिला पांडे मंदिर से गणेश भगवान के दर्शन कर घर लौट रही थी, तभी बाइक पर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने उनके गले से 1.25 तोले के सोने की चैन छीन ली और फरार हो गए। वारदात के बाद भागते हुए बदमाश वहां लगे CCTV कैमरे में कैद भी हो गए हैं। पीड़ित महिला अपने पति के साथ शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंची, लेकिन पुलिस कर्मियों ने चुनाव ड्यूटी का बहाना बनाकर आवेदन लेकर उन्हें वापस भेज दिया। निराशा हाथ लगी है यहां पर दंपत्ति को, एक तो चोरी हुई, दूसरी बात पुलिस बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही है। चुनावों का जिक्र पुलिस कर रही है दंपत्ति के सामने और अब ये परेशान है क्योंकि बार बार ये थाने के चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि बदमाशों का CCTV भी मिल गया है, दिखाई दे रहा है इसमें। आप भी देखिए किस तरीके से ये जो बदमाश हैं वो चेन चुराते हैं और मौके से भाग जाते हैं। दरअसल जो पीड़िता है वो मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी, चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर बिलासपुर से है, जहां रिटायर्ड अफसर के घर में लाखों की चोरी हुई है और कैश समेत 10 लाख का सामान पार हो गया। सोने चांदी के जेवर भी चोरी हुए हैं। अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के बोदरी की ये पूरी घटना है। रिटायर्ड ऑफिसर के घर पर चोरी, सोने चांदी के जेवर भी चोरी कर ले गए। लाखों की चोरी का अनुमान जताया जा रहा है कि लाखों की चोरी हुई है, कैश समेत 10 लाख का सामान चोर चुरा ले गए। और अब बात मुंबई पुलिस की, जहां गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में कचरा फेंकने के मामले में एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई की कोलाबा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में कुछ लोगों का कूड़ा फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया। कोलाबा पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल गणेश मोतीराम भरसात की शिकायत पर मामला दर्ज किया। वीडियो में काली और पीली टैक्सी में से कुछ लोग उतरते हैं और समुद्र में कचरा फेंकते हुए नजर आए। आरोपी टैक्सी ड्राइवर की पहचान मोहम्मद याकूब अहमद के रूप में हुई है, वो डोंगरी इलाके में रहता है।
दूसरे आरोपी की तलाश जारी है, पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो देखिए इन लोगों को कैसे प्रकृति का नाश करते हुए नजर आ रहे हैं, और समुद्र में कचरा फेंकने का वीडियो सामने आ रहा है। ये वही समुद्र जिसकी खूबसूरती देखने के लिए न जाने कहां कहां से लोग यहां पर आते हैं। मरीन ड्राइव के पास आप देखिए लोग शाम के समय खासतौर पर थोड़ा वक्त बिताने आते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से भारी मात्रा में कचरा इस समुद्र में जाएगा तो लोगों का क्या हाल होगा, और इस तरह की खराब गुणवत्ता के समुद्र में अगर लोग जाते हैं तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु के कई शहरों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है और पिछले दिनों भी लगातार भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये हाल सिर्फ तमिलनाडु का ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के आसपास के राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है, इसके अलावा केरला में भी बारिश हो रही है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश की वजह से कई शहरों में जलजमाव जैसी स्थितियां हैं और ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। स्कूल कॉलेज को बंद करना पड़ा क्योंकि लगातार तमिलनाडु में बारिश हो रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बांगेरा और बॉलीवुड अभिनेता टेलीविजन प्रेजेंटर समीर कोचर ने दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायत रियल एस्टेट डेवलपमेंट के मालिक के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी प्रोनीत प्रेमनाथ और उनकी पत्नी अमीशा ने शिकायतकर्ता के परिवार के साथ बांद्रा स्थित उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर फ्लैट बेचने के नाम पर 1,03,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। मामला साल 2022 का बताया जा रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद शिकायतकर्ता ने अंधेरी पुलिस में आरोपी पति पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में एक कार में भीषण आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सेक्टर 145 के पास दिल्ली से दनकौर जा रही थी ये गाड़ी और देखिए आग का गोला बन गई बीच रास्ते में। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 168 मुयापुर गांव के समीप कार में आग लगी है। हालांकि कार सवारों की हालत अभी कैसी है इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चलते हुए रास्ते पर आग का गोला ये कार बन गई। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की करनाह घाटी का सीमावर्ती गांव टीटवाल पिछले कुछ वर्षों से एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विकास की महिमा को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने सोशल नेटवर्किंग फोरम नासिक के सहयोग से कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास टीटवाल चिली क्रॉसिंग प्वाइंट यानी कि TCCP पर 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। जीओसी चिनार कोर राजीव घई ने बताया कि आतंकवाद के अलावा ड्रग्स और नार्को आतंकवाद भी सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है। इस अपराध में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एलओसी पर राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, समुदाय के भीतर एकता और लचीलेपन की भावना को बढ़ावा देता है। और चलिए अब एक नजर डालेंगे खबरों के 2020 पर नॉनस्टॉप अंदाज में।
मुरैना में जमकर चले लाठी डंडे, पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद, आधा दर्जन लोग घायल। बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार, घर में अकेला पाकर कपड़े बदलते वक्त खींचता था फोटो, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज। गरियाबंद में 685 बोरा अवैध धान और 3 पिकअप जब्त, उड़ीसा से धान लाकर खपाने की थी तैयारी। पेंड्रा में कोयले से भरा ट्रेलर सड़क किनारे बने घर में जा घुसा, मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 168 मुयापुर गांव के समीप एक कार में लगी आग का गोला बनी कार। सूरजपुर में 11 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। ट्रेन में विस्फोटक सामानों का परिवहन करते पेंट्री कार का मैनेजर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 4 नग गैस सिलेंडर और चूल्हा सुरक्षा बल ने किया जब्त। भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा में सेंध स्टोर से 32 लाख के मैग्नेटिक क्वाइल गायब। अंबिकापुर में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया वार, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। अंबिकापुर में NH 130 पर बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 3 गंभीर, 1 की मौत। पेंड्रा में दल से पिछड़ा हाथी, रास्ता भटकने से फसलों को नुकसान पहुंचा रहा हाथी। पेंड्रा में वोटिंग के बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी, DEO ने जारी किया कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक टाइम टेबल। रायपुर में मतगणना को लेकर पुलिस अलर्ट, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बल तैनात। पेंड्रा में धान कटाई हुई पूरी, ग्रामीणों ने खलिहानों में मनाया नवाखाई। MP के कई शहरों में आबोहवा खराब, 7 शहरों का AQI पहुंचा 200 के पार। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा तन्ना के साथ 1,03,00,000 रुपए की धोखाधड़ी, रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी। मुंबई में छाई धुंध की परत, वायु गुणवत्ता हुई बदतर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। रायपुर में IAS के बंगले में लगी आग, EV कार चार्जिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। दमोह में बम डिफ्यूज टीम ने किया बारूद नष्ट, डिफ्यूज करने का वीडियो आया सामने। भोपाल से गुजरने वाली एक दर्जन ट्रेनें रद्द, बिलासपुर मंडल में इंटरलॉकिंग के काम के कारण रेलवे ने लिया फैसला। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।